हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ उनका टेक्निकल यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पावरफुल कूलर बनाकर दिखाना लूँ जिसके अंदर हम आइस डाल सकते हैं और उससे जो कि काफ़ी मस्त हवा आएगी। ये जो कि हवा आने वाली है कूलर जैसी नहीं, एसी जैसी आने वाली है। तो जैसे एसी के अंदर हमारी ठंडी ठंडा जो रूम होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, उसी तरीके से जो हमारा जुगाड़ से बनाया हुआ एयर कूलर है तो ये भी काफ़ी मस्त होने वाला। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से तक जरूर देखना, इस वीडियो के अंदर काफ़ी मजा आने वाला है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हो सबसे पहले मेरे पास इस तरीके का एक बॉक्स है जो कि आप कोई सा भी बॉक्स यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ था, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस, यहाँ पर हम एक जो कि सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो कि सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इतना कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। तो फटाफट से मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ इसको और बाद के अंदर हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हो कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको जो गोले को हम कट कर लेंगे, आपको दिख रही होगी लाइन, देख सकते हो एक पहले से करा हुआ था और मैंने एक दूसरा और किया है, वो पहले बड़ा था। तो देख सकते हो मैंने इसको जो कि कट कर लिया है और ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि जो हमारी मोटर लगने वाली है वो थोड़ी जो कि छोटी साइज की है तो ये ऊपर तक आएगी नहीं। इसके बाद में गाइस, हम ले रहे हैं एक पीवीसी पाइप की शीट जो कि आप बना सकते हो ईजिली गैस पर गर्म करके। तो यहाँ पर हम होल करेंगे जो कि हम मोटर लगाने के लिए। तो हम जो कि मोटर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर 555 जो कि 12 वोल्ट की मोटर जो कि काफ़ी मस्त चलती है। तो यहाँ पर हम जो कि फटाफट से इसको जो ड्रॉ कर लेते हैं मोटर की साइज़ का। तो यहाँ पर मैं मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ और ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ पर जो कि किसी भी गर्म चीज़ से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और गाइस देख सो मैंने इसको कट कर लिया गैस पर गर्म करके और इस तरीके से हम फिक्स कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से लगाने के बाद में गाइस आपको एकदम इसको फिक्स करना है जिससे कि निकल नहीं जाए हमारी मोटर। तो इसके लिए मैं फटाफट से जो कि फैब्रिक की मदद से इसको अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। देख सकते हो जो कि मैंने अच्छी तरीके से इसको मजबूती से चिपका दिया है पीवीसी पाइप की दो शीट लगा करके। अब गाइस इसको यहाँ पर चिपकाएंगे बाद के अंदर, तो पहले हम प्रोपेलर लगाते हैं। तो गाइस ये जो प्रोपेलर ये 10 रुपये की मैंने खरीदी है और गाइस इसकी जो जो पावर है वो बहुत शानदार है क्योंकि मैंने इससे इस प्रोपेलर से एक पंखा भी बनाया था जो कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो उसको भी आप देखना ज़रूर, काफ़ी मस्त जो कि टेबल फैन था। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मोटर को फिक्स कर दिया हमने, देख सकते हो पंखे को। तो इसके बाद में जो कि हम इसको चिपका देंगे ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चिपका देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको चिपका देता हूँ फेविकी की मदद से। तो देख सकते हो गाइस जो कि हमने अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया और जो कि हमारी मोटर फिक्स हो चुकी है। इसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट का जो कि सॉकेट आता है ये तो आपको 20 रुपये में इजीली मिल जाएगा, तो आप ये खरीद सकते हो। और ये मैंने जो कि बनाकर भी दिखाया था अपने चैनल के ऊपर, तो इसकी भी लिंक आपको आई बटन में दिख रही होगी या आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, 20 रुपये बचा सकते हो आप अपने। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी इजी इसके कनेक्शन है, तो आप घर पर एकदम आसानी से कर सकते हो। तो मेरे को डायग्राम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो मैंने पूरे जो कनेक्शन है वो कर दिया अच्छी तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पर हम जो कि बर्फ़ डालकर अच्छी तरीके से दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब देख सकते हो मैं आपको चालू करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा स्विच है, तो इसको ऑन कर देते हैं हम। सो गाइस देख सकते हो हमने 12 वोल्ट की चार्जर से चलाया है, तो आप 12 वोल्ट की चार्जर से चलाने इसको, तो ये काफ़ी मस्त तरीके से चल रहा है, आपने आवाज़ भी सुन ली होगी इसकी। अब गाइस इसके अंदर जो कि हम जो कि बर्फ़ डाल देते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो मैंने सारी बर्फ़ को इसके अंदर डाल दिया है। मैं इसको चालू कर देता हूँ तो आप इसकी वॉइस भी सुन सकते हो। इसकी हवा एकदम ठंडा हो चुका है अंदर से, देख सकते हो काफ़ी मस्त ठंडा ठंडा हो रही है। सो गाइस जो इसकी हवा है वो एकदम काफ़ी ठंडी ठंडी आ रही है क्योंकि जो हमारा पंखा है, जो हमारी पंखे की हवा है वो जो बर्फ़ से टकरा कर उस होल के अंदर से बाहर आती है, तो जो हमारा रूम का टेम्परेचर वो काफ़ी ठंडा ठंडा हो जाएगा। और आप इसके आगे हाथ रखते हो तो जैसे कूलर की जैसी हवा नहीं, एकदम ठंडक ठंडक हो जाएगी और काफ़ी मस्त इसकी आवाज़ है। आप वीडियो के अंदर जो कि देख नहीं सकते हो बट मैं देख सकता हूँ इसको, तो काफ़ी मस्त आवाज़ है गाइस इसकी। और जो हमारा देख सकते हो ठंडा ठंडा हो चुका है एकदम रूम, तो आप एक बार घर पर जरूर बनाएं इस गर्मी के अंदर और काफ़ी मस्त आएगा मज़ा। और बर्फ़ आप इसके अंदर खूब सारे की डाल सकते हो जिससे कि और मज़ा आए, वो काफ़ी मस्त इसकी हवा है, आप देख सकते हो, आपको पता नहीं लग रहा। और देख सकते हो पूरा भरा हुआ ये बर्फ़ से।
सो है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो भी मेरे भाई दोस्त चैनल पे नए हो वो फटाफट से यहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मुझे नोटिफिकेशन आए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो।